दरिया साहिबा, आप यहाँ क्या? मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी से अपना काम खत्म करो तुम, और टॉवल यहीं छोड़ दो। अगर मैं ना याद दिलाऊं तो तुम चेक भी ना करो। ये क्या करने की कोशिश कर रही थी और क्या तलाश कर रही थी बरान साहब के कमरे में? दादी जान, आप? मैं अभी आप ही के पास आने वाली थी। दरअसल मैं ये सोच रही थी कि हॉस्पिटल चक्कर लगा लूं। बार बार जेहान का ख्याल आ रहा है और बारान भी तो वहां अकेला है। अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ बेटी। ठीक है, बस अभी तैयार होकर निकलती हूँ। शुक्रिया। ठीक है। तुमने सुना डॉक्टर ने क्या कहा? अभी तक डरने वाली कोई बात नहीं है और तबीयत मजीद खराब नहीं हो रही। लेकिन बेहतर है ये भी नहीं कहा, है ना? मेरा दिल कहता है वो ठीक हो जाएगा, मेरी बात का यकीन कर लो। ठीक होकर उठ खड़ा होगा और फिर हमें सब पता चल जाएगा। दुआ करो ऐसा ही हो। तुम बहुत थक गई हो, ये लो तुम्हारे लिए। शुक्रिया। देखो एकदम से सब अच्छा हो गया। हम सबकी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी मगर अब फिर पुर उम्मीद हो गए हैं। मुझे बहुत खुशी महसूस होती है अपने घर वालों को खुश देखने से। और अब सब लोग मुतमईन नजर आते हैं। तुम्हारा शुक्रिया। हमारा शुक्रिया। नहीं नहीं, तुम्हारी कामयाबी है। पता है तुम्हें
बास दफा मैं सोचती हूँ कि हमारा मिलना अच्छा रहा, तुमने साथ दिया। अगर तुम ना होते तो ये जगह हमारे हाथ से निकल जाती और इस गम में बाबा को कुछ हो जाता। क्या कह रही हूँ मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। बस काश के मुझे याद आ जाए कि मैं कौन हूँ। अपनी अम्मी के बारे में बहुत फिक्रमंद हूँ मैं। अली, क्या तुमने नोटिस किया ऑफिस में तुम उस आदमी से कितने रिलैक्स होकर बात कर रहे थे? ऐसा लगा जैसे कि वो तुम्हारी जगह है। क्या कह सकता हूँ मैं, मुझे तो अपना नाम तक अजनबी लगता है। अगर तुम्हारी कोई आईडी होती या नेकलेस पर तुम्हारा नाम लिखा होता तो इससे काफी मदद हो जाती हमारी। कोई नेकलेस? अरे याद आया, मुझे एक काम है, मैं अभी वापस आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? हर चीज नामुकम्मल है, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। बहुत जल्द मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। महसूस कर सकती हूँ। मीने, क्या तुम अपने कमरे में हो? मीने, ठीक हो ना? कुछ खाना है क्या तुम्हें? मैं अकेली रहना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है मीने। मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं आंटी, आपको ठीक हूँ मैं इस पर काबू पा लूंगी। अच्छा, जो तुम्हारी मर्जी। तुम जानती हो ना कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। शुक्रिया।